ओम शांति। परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ सदा आपके मस्तक पर रहे, आप सदा उसकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज 13 फरवरी, परमात्मा के साथ प्यार। आज तक हम परमात्मा के साथ परंपरा निभाते थे, लेकिन उसके साथ प्यार करना माना? जैसे हमने देखा कल की स्व के साथ प्यार करना, ऐसे परमात्मा को प्यार से याद करना। लेकिन प्रैक्टिकल में हम कैसे कर सकते हैं? छोटी सी बात, एक एक्सपेरिमेंट, भगवान को एक पत्र लिखना। लेकिन पत्र किस रिश्ते से लिखेंगे? उसके लिए पहले उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ना। आज तक हमने रिश्ता नहीं जोड़ा, सिर्फ दर्शन किए, प्रार्थना की, लेकिन रिश्ता नहीं जोड़ा। आज से एक प्यारा सा रिश्ता, गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड, कबूले ये रिश्ता। बेस्ट फ्रेंड के नाते से चलो आज हम परमात्मा को पत्र लिखेंगे। आज से फुल 7 दिन आप पत्र लिखो, रोज एक पत्र लिखना है, मोबाइल में नहीं, पेपर और पेन लेकर आपको पत्र लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड को, गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखेंगे? अब बेस्ट फ्रेंड को क्या क्या बताते हैं? अपनी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है, आप सब बताते हो। लेकिन गारंटी है उस फ्रेंड की कि जो आपके सीक्रेट्स उस तक रखेगा? नहीं ना, परमात्मा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब हम उसको पत्र लिखना शुरू करेंगे रोज, भले आधा पेपर लिखो लेकिन रोज लिखो, 7 दिन तक लिखो, रिजल्ट क्या होगा? आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी सारी मन के अंदर जो चिंता, स्ट्रेस, जो भी फीलिंग्स है वो सब उस पेपर पर उतर जाएगी, उस तक पहुंच जाएंगे, वहां से शक्ति मिलेगी और आपके सीक्रेट्स उस तक रहेंगे। उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बन जाएगा। जिस दिन से परमात्मा में रुचि लेना शुरू करेंगे, उस दिन से परेशानियां आपके जीवन में रुचि लेना बंद कर देगी। तो मंजूर है यह रिश्ता? करना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय निकालकर एक पत्र लिखना है प्यारा सा बेस्ट फ्रेंड को, और रिजल्ट, मन तो खुशी में उड़ता रहेगा। हल्का मन जो पत्र लिखने से हल्का हो गया, वो खुशी में उड़ेगा। और हाँ, परमात्मा की शक्ति और उसकी दुआएं हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। तो क्या शुरू कर सकते हैं आज से? हैप्पी डे।